नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी में अगर बात करें एक्टिंग में किसको पसंद करते हैं तो दोस्तों इसमें रवि किशन जी को पसंद करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक्टिंग में तो माहिर है ही, लेकिन बहुत ही बड़े सुपरस्टार है। और दोस्तों रह गया गायकी में पसंद करने की बात, तो दोस्तों गायकी में एक ऐसा नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री में जिनको कोई भूल नहीं सकता है और उनको पूरे वर्ल्ड में जानता है। दोस्तों यही सवाल एक मोहतरमा से पूछा जाता है जब मीडिया के बड़े ही चैनल पर इंटरव्यू लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपको कौन पसंद है। तो दोस्तों आइए क्या कहता है उसी वीडियो को देखते हैं और फिर समझते हैं कैसे क्या है। दोस्तों मैं सोनू, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए वीडियो में बिना कुछ बकचोदी करते हुए इस वीडियो को देख ही लेते हैं और समझते हैं कैसे क्या है। दोस्तों भोजपुरी में एक सुपरस्टार जो बोलती है अपने आप को हम सबकी अक्षरा सिंह जी ने, उनका एक इंटरव्यू हुआ है जो मीडिया के बड़े ही यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं उन क्लिपों को जरूर दिखाऊंगा, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो में बने रहे कि कौन सा सवाल पूछा गया था। कौन सा हीरो पसंद है ये बताइए, अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाए, वो छोटे वाले नहीं होते यस नो वाले। कौन 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 सा हीरो है पसंद आपको ये बताइए, किसके साथ आप काम करना मैं फिलहाल मैं हीरो हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी हीरोइन है। मैं हीरो नहीं नहीं, ये सवाल है, सिर्फ सवाल के तौर पर। कोई सबसे बढ़िया एक्टर? सबसे बड़ एक्टर की बात करेंगे तो इस इंडस्ट्री में रवि किशन जी, निरहुआ जी, खेसारी जी, और आई डोंट नो। भोजपुरी में सबसे बढ़िया गायक? सबसे बढ़िया गायक मेल? ये तो सर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, अभी फिलहाल तो खेसारी जी हैं। और कौन है गायक? गायक गायक अभी नए नए कलाकार आ रहे हैं सर, नए नए सिंगर्स आ रहे हैं, और बहुत ही डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया आपने, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है भाई। निरहुआ जी भी गायक हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद यही पता चलता है कि अक्षरा सिंह अभी भी पवन सिंह से बहुत ज़्यादा नफरत करती है, ताकि इनको पता नहीं है कि अगर ये आज यहाँ तक है तो उसमें पवन सिंह जी का भी बहुत बड़ा हाथ है अक्षरा सिंह को इतना ऊपर आने का। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे कोई अगले बार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।